नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो पाएगी। 88 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। यहाँ पे दो तरह की शिक्षक भर्ती होनी है जिसके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। एक तो है महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, 1017 पदों की वैकेंसी निकली थी। दूसरी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT और PGT यानी कि प्रवक्ता की भर्ती, तो ये 4163 पदों पर भर्ती होनी थी। अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे और 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी ये भर्ती हुई नहीं है। वहीं बगल के राज्य में यानी पड़ोसी राज्य में बिहार में लाखों शिक्षकों की भर्ती 2 बार हो चुकी है 1 लाख के ऊपर, और तीसरी वैकेंसी के लिए एग्जाम चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 13 लाख बेरोजगार छात्र जो TGT PGT के लिए आवेदन किए हुए हैं और 1,14,000 अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए हुए हैं, इन सभी को परीक्षा का इंतजार है। और इस प्रक्रिया को शुरू होने के लिए अभी लोकसभा चुनाव तक इन छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। चिकित्सा अधिकारियों के 2522 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। UPSC की वेबसाइट पर अगले सप्ताह ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। टोटल पदों की संख्या 2532 है। पिछली भर्ती जो निकली थी विज्ञापन, उसमें से 2097 पद खाली रह गए थे। इस तरह के पदों पर भर्ती निकाली जाती है जहां पे जो है अभ्यर्थी ही नहीं मिलते हैं। यहां पे प्रदेश भर में ग्राम सभा, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है, इसीलिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे, अब दूसरी बार ये भर्ती निकाली जा रही है। एक और खुशखबरी है छात्रों के लिए, PGI में 1803 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। PGI यानी कि ये नौकरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, लखनऊ में PGI जो है वहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है उसमें हम बता दें आपको किस तरह के इसमें पोस्ट है, तो इसमें कई तरह की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा 1426 नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट हैं, यानी कि अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम का 1 पद है, इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 40 पद हैं। ये अच्छी पोस्ट है, इस पर काफ़ी लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह मैं शाम के वीडियो में कवर कर लूँगा। और 22 पोस्ट स्टोर कीपर की है, इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे, सिंपली ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया होगा। और फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के 15 पद हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 21 पद हैं, रेडियो थेरेपी में 8 पदों पर भर्ती होगी। तो डिटेल वीडियो जो है इसका आज शाम को आपको यूट्यूब पे मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात करें तो इन्होंने डिप्टी CM केशव का आवास का घेराव किया। 6800 की सूची के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की। पिछले विधानसभा के चुनाव से इस लोकसभा के चुनाव के बीच में इनकी गाड़ी अटकी हुई है। 6800 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई थी पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले, और उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली थी लेकिन उसको रोक दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव करीब आ गया तो छात्रों को उम्मीद है कि चुनाव के इस समय अगर थोड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया जाए तो ये नियुक्ति मिल सकती है। इसलिए छात्र अब जो है डिप्टी CM के आवास का घेराव कर रहे हैं और जगह जगह सरकार को घेर रहे हैं, जिससे सरकार इनके बारे में कुछ सोचे। 7 जुलाई को CTET की परीक्षा होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। CBSE ने इस परीक्षा को लेकर विस्तृत सूचना बुलेटिन जारी किया है। इसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क की जानकारी, सारी चीज़ें दी गई हैं। वेबसाइट यहां पर दी जा रही है, जो लोग CTET में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें।
सीटेड पेपर वन में बैठना है या पेपर टू में बैठना है, किसी एक पेपर में बैठना है तो 1,000 रुपये फ़ी है, और अगर दोनों पेपर में बैठना चाहते हैं तो 1,200 रुपये आपके लिए फ़ी है, और SC ST दिव्यांग कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 500, दो पेपर के लिए 600 रुपये का फ़ी यहाँ पर पड़ रहा है। बैंक कर्मियों के लिए सरकार काफ़ी मेहरबान हो गई है, 17% वेतन की बढ़ोतरी बैंक कर्मियों की कर दी गई है। छुट्टी का नकदीकरण भी 240 दिन से बढ़ा के 255 दिन कर दिया है। छुट्टी का नकदीकरण का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी जमा हुई छुट्टियां हैं, जो छुट्टियां आपने ली नहीं है, जो आपने एक्यूमुलेट कर रखी है, उसके बदले आपको कैश दे दिया जाए, उतने दिन की सैलरी आपको दे दी जाए। आधे दिन को आकस्मिक छुट्टी मिलेगी, हाफ डे CL इनको मिलनी शुरू हो जाएगी। महिलाओं को महीने में एक दिन बिना प्रमाण पत्र के चिकित्सा अवकाश मिलेगा। विशेष बच्चों वाले दंपत्ति को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 30 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ जो दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है तो पहले और तीसरे शनिवार की छुट्टी की मांग भी चल रही है, यानी कि हर शनिवार और हर इतवार को बैंक कर्मियों की छुट्टी होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है, और छात्रों का कहना है कि इसका गठन जो है लोकसभा का जो चुनाव है उसकी आचार संहिता लगने से पहले किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर जो है 10 मार्च को पत्थर गिरजा घर पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।